हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग कल के लिए 01, ठीक है, 1 जुलाई के लिए इसमें होने वाले इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स की बात करेंगे। अभी जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन सिनेरियो क्रिएट हुआ है, कल यहाँ पे इसने फ्लैट क्लोजिंग दी थी 2200 2670 के आसपास, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ। ये हमारे ऊपर के लेवल के आसपास गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद उसी लेवल से ये गिरना स्टार्ट हुआ और ये गिरते गिरते ही हमारा फर्स्ट टारगेट तक आया, ठीक है। लेकिन ये हमारे दोनों टारगेट को अचीव नहीं कर पाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो रखा था आज, लेकिन बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है कल से, अच्छी क्लोजिंग आज के दिन दिया है क्योंकि जो कल का यहाँ पे सपोर्ट था 2677 उसी के आसपास क्लोज दिया है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है 2690 से लेके 2675 के बीच में कहीं भी ओपन होता है और 2677 को ये ब्रेक करता है, 2690 से लेके 2680 के बीच में ओपन होकर 2677 को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो नीचे हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हम लोग को दिख रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन कल के दिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए एक बार हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लें कि अभी किस तरीके का 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सिनारियो क्रिएट हो रहा है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे 2 हॉल्ट कैंडल यहाँ पे बन चुका है और ये 2 हॉल्ट कैंडल लास्ट टाइम का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था उसके आसपास बना है, कैंडल कुछ इस तरीके से बना है। तो यहाँ पे अभी एक ये रेंज बना दिया है, ठीक है, 40 रुपीज़ का यहाँ पे रेंज बन चुका है, जिस और भी निकलेगा 40 रुपीज़ का हम लोग को मोमेंटम देने वाला है। आज के क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ पे ये 2640 के आसपास आ सकता है, ये कल ज़्यादा इसकी प्रॉबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया थोड़ा सा बेयरिश हम लोग को नज़र आ रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग कल के लिए रेंज देख लेते हैं। तो जो कल के लिए रेंज होने वाला है नीचे की ओर, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मैं चार्ट थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो कल अगर ये 2677 को नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट जो हम लोग को नीचे की ओर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2661 का, एंड जो दूसरा टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2652 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे की ओर 2 टारगेट है, अगर ये 2677 को ब्रेक करता है तो 2661 एंड 2653। एंड ऊपर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है और उसके बाद हमारे पास ये लेवल है 2610 का, ठीक है, 2610 का। तो इस लेवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है यहाँ पे तो ये लेवल हमारे लिए कल इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है 2616 का, ठीक है। अगर ये कल के दिन 2616 को ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये रेजिस्टेंस 2727 का, एंड जो सेकेंड टारगेट हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 2731 का, ठीक है। तो हमारे पास नीचे 2 टारगेट है, ऊपर भी 2 टारगेट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये यहीं पे फ्लैट ओपन हो, ठीक है, ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर ये दोनों जो टारगेट्स और लेवल्स है ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा हम लोग को ये दोनों टारगेट देखने को मिलेंगे, या फिर ये यहाँ ओपन होने के बाद इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाके थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर 2700 के लेवल को या 2715 के लेवल को ब्रेक करता है टाइम स्पेंड करने के बाद तो ऊपर के दोनों टारगेट देखने को मिलेंगे। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए तो कोई भी डिसीजन आप अपनी एनालिसिस के बाद लें। चैनल पर नया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।